हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिराज, तुम्हारा एडुकेशनल भैया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर को। ये चैप्टर तुम्हारा सिविक्स का चैप्टर 1 है और यहाँ से हमारी पूरी साल की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब से हम तुम्हें इंग्लिश के साथ साथ पूरा सोशल स्टडीज भी पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को मैं अपने फ्रेंड सुधांशु के साथ मिलकर पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना। बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से तुम्हें इस चैप्टर को समझाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में आया होगा कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो बहुत ही इजी है। कंट्री के अंदर जो पावर होता है ना, वो अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड होता है। जैसे इंडिया का ही ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल में पंचायत वगैरह होता है। तो ये एक एग्जांपल है इंडिया में पावर शेयरिंग। तो उसी तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पर पावर शेयर्ड होता है। तो इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के अंदर कैसे पावर शेयरिंग हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंट्री है बेल्जियम एंड दूसरा कंट्री है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोप में पाया जाता है। और बेल्जियम का जो पूरा एरिया है ना, वो हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। और बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो बस 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा का हाफ पॉपुलेशन होता है। वैसे बेल्जियम अपने बॉर्डर्स को नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ शेयर करता है। मतलब कि बेल्जियम के बगल में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज आते हैं। अब तुम लोग ध्यान से मैप में नजर डालो, ये जो बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और यहाँ पे 59% डच रहते हैं। और ये जो बेल्जियम के नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम वलोनिया रीजन बोलते हैं और यहाँ पे 40% फ्रेंच पीपल रहते हैं। और ये जो तुम्हें बीच में छोटा सा जगह दिख रहा है ना, ये ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। एंड यहाँ पे कहानी पूरा उल्टा है, यहाँ पे 80% फ्रेंच पीपल रहते हैं एंड सिर्फ 20% डच पीपल रहते हैं। वैसे बेल्जियम में 1% जर्मन पीपल भी रहते हैं, हालांकि उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत। अब देखो इस मैप को देखकर तुम्हें क्या समझ में आया कि सेंट्रल लेवल पे, मतलब पूरे कंट्री में, डच की पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्रेंच की पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहीं पर बेल्जियम के कैपिटल में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा है और डच की पॉपुलेशन कम है। अब ऑब्वियसली इसके कारण पावर शेयरिंग में थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो इन कारणों से क्या होता है, 1950 और 1960 के बीच में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। और ये जो टेंशन थी ना, ये बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके दो मेन रीजंस है। पहला रीजन ये है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना, वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थी, इसलिए जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्हें हमेशा दब के रहना पड़ता था। और इस कारण से उन्हें काफी सारी बेनिफिट्स जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब भी बहुत लेट में मिलता है। और दूसरा रीजन ये था कि पूरे कंट्री में तो डच की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन वही कंट्री के कैपिटल ब्रुसेल में फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा थी। आई होप सो तुम्हें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो वीडियो देखने के साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, ताकि वीडियो के बाद जब तुम एक बार नोट्स को अपने पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ते जा रहे थे और किस तरह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी सप्रेस हो रही थी। तो अब हम अगले टॉपिक में ये जानेंगे कि बेल्जियम के गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से एक्शंस लिए जिससे ये सारे टेंशन सॉल्व हो गए। और इस टॉपिक का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेल्जियम में टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया। और ये सारे बदलाव 1970 और 1993 के बीच में हुए। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस थे। तो पहला जो चेंज था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स रहेंगे उसमें से 50% डच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के होंगे। तो दूसरा चेंज ये था कि कंट्री में जब भी कोई स्पेशल लॉज लाने होंगे तो वो दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स के इक्वल मेजोरिटी सपोर्ट के बाद ही बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहे। और चौथा जो चेंज था वो ये था कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसका अपना एक अलग गवर्नमेंट रहेगा जिसमें कि दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वल रिप्रेजेंट करें। और पांचवा और आखिरी जो चेंज था वो ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट भी रहेगा जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा वो लोकल लेवल पे रहेगा, जो कि लोकल कम्युनिटीज के मुश्किलों को सुनेगा, परेशानियों को सुनेगा और उन्हें सॉल्व करेगा। और ये सारे चेंजेस होने के बाद बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुआ वो 3 लेवल्स पे हुआ, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सब होने के बाद बेल्जियम का सिचुएशन बहुत ज्यादा सुधर गया और बेल्जियम एक एग्जांपल बन गया बाकी सारे कंट्रीज के लिए कि वो भी पावर शेयरिंग का यूज करके कैसे अपने कंट्री में शांति बनाए रख सकते हैं। और ये कितना अच्छा एग्जांपल था कि इसे देखते हुए सारे यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। अब देखो तुम्हें बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग कैसे होता है ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंट्री की तरफ जो कि है श्रीलंका।
अब देखो कुछ बच्चों वाली चीजें हैं जो तुम्हें पता ही होगा, जैसे कि जो श्रीलंका है वो आइलैंड नेशन है, मतलब वो समुद्र के बीच में लाई करता है। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है और उसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है। ये सारे फैक्ट्स को याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि श्रीलंका में किस किस टाइप के लोग रहते हैं, मतलब कि बेसिकली हम श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि श्रीलंका में 74% लोग सिन्हालाज लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। 18% लोग तमिल बोलते हैं जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिम हैं। एंड बचे हुए 7% तुम्हारे क्रिश्चियंस हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 18% तमिल लोग हैं ना, ये लोग भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। नहीं नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नेटिव तमिल और इंडियन तमिल्स की बात कर रहा हूँ। नेटिव तमिल वो तमिल पीपल है जो कि वही श्रीलंका में बॉर्न हुए थे, मतलब वही के रहने वाले हैं। लेकिन वही इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जो इंडिया से श्रीलंका सिर्फ टी प्लांटेशन के लिए लाए गए। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि श्रीलंका के अंदर किस किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हमने बेल्जियम में क्या देखा था, हमने ये देखा था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से पावर शेयरिंग किया था, जिस वजह से उनके कंट्री में फ्रेंच और डच कम्युनिटी के लोग बहुत ही अच्छे से रहने लगे। तो बेल्जियम एक अच्छा एग्जांपल था पावर शेयरिंग का। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी बेवकूफी की पावर शेयरिंग ना कर। चलो हम लोग अच्छे से 3 पॉइंट में समझते हैं। 1956 में श्रीलंका में एक ऐसा लॉ पास किया गया जिसमें सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को इग्नोर कर दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट ने सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को यूनिवर्सिटी पोजीशंस देने लगे और गवर्नमेंट जॉब में भी ज्यादा फेवर करने लगे। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उससे ये पता चल रहा था कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ज्यादा प्रमोट भी कर रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो सिन्हालास के लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही थी, वहीं तमिल्स के लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा था। ये सब देखते हुए तमिल लोगों को ऐसा लगा कि श्रीलंका के गवर्नमेंट उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीना जा रहा है। तमिल लोगों को ऐसा लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सब जानने के बाद तमिल लोग चुप तो रहते नहीं, तो उन लोगों ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कुछ मांगे रखी। उन लोगों की क्या क्या मांगे थी, आइए हम एक एक करके जानते हैं। उनका पहला डिमांड ये था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, इससे पहले सिर्फ सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और जो दूसरा डिमांड था वो था रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी यानी श्रीलंका का वो हिस्सा जिसमें तमिल्स लोग ज्यादा रहते थे, वो लोग ये चाहते थे उस हिस्से को एक अलग गवर्नमेंट दिया जाए जो कि सिर्फ तमिल लोगों के फेवर में वहां के लॉज को बनाए और तमिल लोगों के इंटरेस्ट को सुना जाए। तीसरा डिमांड था वो था उनका इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज और इक्वल एजुकेशन का। ये तीनों डिमांड रखने के बाद जब तमिल लोगों को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट उनके किन्हीं भी डिमांड को नहीं सुन रही है, तो उन्होंने फाइनली एक अलग देश का ही डिमांड कर दिया। वो लोग ये चाहते थे कि श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया है उसमें उन्हें एक अलग देश मिल जाए जिसका नाम वो लोग तमिल इलम रखना चाहते थे। अभी तक तो सब कुछ पीसफुली चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट भी पीसफुली कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने किसी भी मांग को नहीं सुना तो ये प्रोटेस्ट देखते देखते बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया और फाइनली ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई, बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा जिसके कारण वो लोग रिफ्यूजीज बन जाए। रिफ्यूजीज का मतलब वो लोग होता है जब किसी भी वॉर के कारण लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है और वो जब देश में जाते हैं तो उस देश में वो लोग रिफ्यूजीज कहलाते हैं। तो बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया और बहुत से लोग अपना जीवन खो गए। तो यहाँ तक था श्रीलंका का स्टोरी। तो अभी तक हमने 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ा, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो हमने देखा कि कैसे इन दोनों कंट्रीज ने अपने अपने सिचुएशन को, जो कि ये था कि वहाँ के कम्युनिटीज के बीच में आपसी लड़ाई थी, उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। पहले तो जैसे कि हमने बेल्जियम के बारे में देखा, उन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए ताकि बेल्जियम में पीस आए। वहीं श्रीलंका के गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही बुरी तरह हैंडल किया जिसके कारण ये आगे चल के सिविल वॉर में बदल गया और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कंट्री में रह रहे सारे कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सुनना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और प्रॉपर पावर शेयरिंग करना चाहिए। तो इन 2 कंट्रीज के केसेस से हमें ये तो पता चल गया कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, पर अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट तो तुम्हें क्या लिखना है, तो इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स है, एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन ये बोलता है कि पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकता है। मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पावर शेयरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। ऑब्वियसली हम लोग डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे डिक्टेटर होते हैं वहाँ पे तो सिर्फ एक ही राजा होता है, वहाँ पे कोई पावर शेयरिंग नहीं होती। चलो अब टॉपिक पे आते हैं।
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब अलग अलग कंट्रीज में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में शेयर किया जाता है। लेजिस्लेचर जैसे कि तुम्हारा पार्लियामेंट हो गया, जो कि लॉज बनाते हैं। दूसरे आते हैं एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉ का तुम्हें पालन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल IAS एंड IPS ऑफिसर्स। एंड तीसरा होता है जुडिशियरी, जो लॉज एंड ऑर्डर सही से रेगुलेट हो रहा है या फिर नहीं उसे देखते हैं, जिसमें तुम्हारा जज और वकील सब आ जाता है। आई होप सो तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में होता है। हम लोग सेकंड देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को, जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इसमें क्या ही बताना, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मोदी जी बैठे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट का अलग होता है और लोकल गवर्नमेंट तो तुम्हें पता ही हो, जैसे कि गांव वगैरह में पंचायत वगैरह होता है, बाकी तुम्हारे सोसाइटी से कोई एक आदमी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो सब लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हो जाते हैं। तीसरा होता है जो पावर शेयरिंग होता है, वो सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइडेड होता है और ये डिसाइड होता है उस कंट्री के रिलीजन और कम्युनिटी के बेसिस पे, जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल में देखा था कि कैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया था। एंड चौथा और आखिरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हमने कोलिशन गवर्नमेंट का नाम सुना ही होगा, जब दो पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। तो ये तुम्हारा एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग का। इसी के अंदर तुम्हारा आता है पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि तुम्हारा एनजीओ वगैरह हो गया। तुमने देखा ही होगा एनजीओ वगैरह निकल जाते हैं रोड पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो ये जो तुम्हारा एग्जांपल है वो है पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स। तो अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप्स के पावर शेयरिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को। तो जो गवर्नमेंट के तीनों बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वो तीनों सेम लेवल पे होते हैं, यानी उन्हें सेम लेवल का पावर मिला हुआ होता है अपने फील्ड में। यानी कि लेजिस्लेचर किसी भी टाइप के लॉ को बनाने की पावर रखता है, वहीं एग्जीक्यूटिव उस लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए उसके लिए उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, वहीं जुडिशियरी के पास उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स होते हैं। तो ये जो पावर्स हैं ये सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो तीनों पावर्स हैं ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं और ये इंडिविजुअली काम करते हैं। इस टाइप का जो पावर शेयरिंग है ये इंश्योर करता है कि जो हाईएस्ट लेवल का पावर है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक आदमी के पास नहीं जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर उसे हम पावर शेयरिंग नहीं बोलेंगे, उसे हम फिर डिक्टेटरशिप बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पावर को बैलेंस में रखता है। अब हम जानते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में। देखो गवर्नमेंट के अंदर ही लेवल्स बने हुए हैं। पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। तो इसे वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। इस टाइप के गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग नहीं होगा तो एक बड़ा ऑटोनोमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले सारे रीजन्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो सारे लोगों के इंटरेस्ट को सुना नहीं जाएगा। तो देखो जैसे लोकल में पंचायती राज सिस्टम है, तो उसमें हर एक व्यक्ति पंचायत में जाके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है, उससे ये इंश्योर होता है कि हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम को सुना जाए और उसे सॉल्व किया जाए। वहीं अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो तो बहुत ही टॉप लेवल पे है, वो हर एक स्टेट हर एक जिले में जाके ये पता नहीं कर सकता है कि वहाँ के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सिविक्स का चैप्टर खत्म होता है। अगर तुम्हें ये सारे नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और दोनों ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब तुम लोग से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।